उत्तर प्रदेश की सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री, समाजवादी पार्टी के संरक्षक और देश में समाजवादी राजनीति के पुरोधा पुरुष मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। भारतीय राजनीति में समाजवादी पार्टी को प्रशस्त स्थानों तक पहुंचाने वाले मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद देश में समाजवादी राजनीति के एक युग का अंत हो गया है। समाजवादी पार्टी के समर्थकों में मायूसी है, शोक का माहौल है। देश में समाजवाद का एक सूर्य अस्त हो गया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के साथ देश में अंत हो गया है समाजवाद की उस राजनीति का, जिसमें एक नेता को नेताजी की उपाधि मिली, एक शख्स जो सैफई से निकलकर देश की संसद तक पहुंचा, एक शख्स जिसे कार्यकर्ताओं के नाम याद रहते थे, एक शख्स जिसे याद रहता था जिलों में मोहल्लों का नाम, एक शख्स जो पार्टी के सबसे निचले कार्यकर्ता से भी ये कहता था, कोई जरूरत हो तो बताना, लखनऊ में तुम्हारी मदद करूंगा मैं। मुलायम सिंह यादव एक लंबे वक्त से मेदांता अस्पताल में एडमिट थे। रविवार को उनकी हालत बिगड़ी, सांस लेने में तकलीफ हुई तो डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया। एक बड़ी डॉक्टरों की टीम लगाई गई। अखिलेश यादव लखनऊ से दिल्ली पहुंचे, अपर्णा यादव, शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव समेत तमाम नेता पहुंचे। वाराणसी से लेकर दिल्ली तक दुआओं का दौर शुरू हुआ, लेकिन धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम इस बार ये कह दिए, अब बस राजनीति का अंत भले न हो लेकिन शरीर का अंत तो नियत है। ईश्वर ने जो लिखा, जिस तिथि को जाना है उस दिन आखिरी प्रणाम करता हूँ, भारत माता की जय बोलता हूँ। लेकिन मुलायम सिंह याद किए जाएंगे अपनी राजनीति के लिए। मुलायम सिंह याद किए जाएंगे उन लोगों के लिए जिनके लिए उन्होंने काम किया। मुलायम सिंह याद किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, इटावा में, आजमगढ़ में, वाराणसी में और हर उस स्थान पर जहां पर उन्होंने अपनी राजनीति से एक नई लीक खींची। मुलायम सिंह यादव याद किए जाएंगे उस नेता के रूप में जिसने समाजवाद को आम आदमी के घर तक पहुंचाया। देश की संसद में उनके मुरीद सत्ता से लेकर विपक्ष तक सभी लोग थे। देश की राजनीति के माहिर खिलाड़ी मुलायम सिंह यादव एक बीमारी से हार गए। वही मुलायम जिन्होंने राजनीति के दांव पेच में कई दिग्गजों को हराया, बीमारियों के कारण उम्र के इस पड़ाव पर 82 साल की उम्र में ये कह गए कि नहीं, अब यहीं रुकता हूँ, यहीं से विदा लेता हूँ, समाजवाद की मशाल बेटे को सौंप दी है। मुलायम कुनबा अब अखिलेश कुनबे के नाम से जाना जाएगा। समाजवादी पार्टी में शोक की लहर है। मुलायम सिंह यादव का जाना देश की राजनीति की एक बड़ी क्षति है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर देश के तमाम राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, लेकिन मुलायम सिंह यादव विचारों में अमर रहेंगे, ये बात समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता कह रहा है। देश की राजनीति में जो शून्य पैदा हुआ है, शायद मुलायम के अलावा इसे दूसरा ना भर पाए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।